नमस्कार दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। वो दिन भी कितने प्यारे थे और ये दिन भी कितने प्यारे हैं। हमारा भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जहाँ एक बच्चे की किलकारी की आवाज़ सुनते ही पूरे घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। अगर बेटा पैदा होता है तो हम कहते हैं कि कुल दीपक ने जन्म लिया, और बेटी पैदा होती है तो हम कहते हैं कि लक्ष्मी ने जन्म लिया। ऐसा ही कुछ हुआ एक कच्छ पूछ के साधारण से परिवार में जन्मी बेटी के साथ। बेटी का जन्म होते ही पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा गया। ऐसा लगा मानो साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया हो। घर में बचपन से ही कृष्ण की पूजा अर्चना होती थी, एक धार्मिक माहौल था, क्योंकि घर वाले कृष्ण के परम भक्त थे। इसीलिए उन्होंने इस बेटी का नाम रखा गीता, एक ऐसी गीता जिन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं औरों का भी जीवन बदल दिया। आप देखना चाहेंगे ऐसी कहानी? चलो देखते हैं। नमस्कार दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। वो दिन भी कितने प्यारे थे और ये दिन भी कितने प्यारे हैं। दर्शकों, कहते हैं कि किसी के घर में जन्म लेने पर ही पता चल जाता है कि किसी देवी या देवता ने जन्म लिया है। चारों तरफ खुशियां दौड़ जाती है, और हमारे यहाँ ज़्यादा भक्त मिलते हैं तो वो कृष्ण के मिलते हैं। कृष्ण से संबंधित हर एक कर्म हम अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, चाहे वो भागवत गीता हो या जन्माष्टमी। जो बांधने से बंध जाए और तोड़ने से टूट जाए उसका नाम बंधन, और जो अपने आप बन जाए और जिंदगी भर ना टूटे उसका नाम संबंध। ऐसा ही कुछ संबंध जोड़ा गीता दीदी ने परम पिता शिव परमात्मा के। वो कहते हैं ना, जिनके मन में भाव सच्चे होते हैं उनका हर काम अच्छा होता है। बेटी मेरी बेटी, तारा बनेगी तारा बनेगी, ओ उजियारा करेगी। अरे, हमारे घर में तो देवी ने जन्म लिया है, साक्षात देवी है। कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, बहुत अच्छी। तेरा नाम क्या रखे? गीता रखे? अच्छा, मैं तेरा नाम गीता रखती हूँ। गीता, बहुत प्यारी बच्ची है, भोली है, साक्षात देवी है। फूल सदा मुस्कुराते हैं। नहीं रोना, असो तेरा नाम क्या है? गीता है। क्या है? गीता। हम बच्चे हैं, फूल सदा मुस्कुराते हैं। हम बच्चे हैं, फूल सदा मुस्कुराते। गीता, ये तूने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। तेरी शैतानी इतनी बढ़ गई कि तूने माँ को भी नहीं छोड़ा। माँ उठो, माँ क्या है? माँ उठो, देखो आपकी लाडली ने क्या किया है। क्या किया है लीला? क्या किया ये देखो, आपकी लाडली ने क्या किया। अरे, ये क्या किया? वो गीता ने किया है। गीता, वो शरण दो गए। हाँ, इसे प्रभु प्यार में पलने वाले हम है रतन निराले। इस धरती के सुख समृद्धि शोभा के रखवाले।
प्यार में पलने वाले हम है रतन निराले, इस धरती की सुख समृद्धि शोभा के रखवाले। आँखों से स्वर्णिम दुनिया दिखलाते हैं, अभी देखती हूँ तुझे, अभी देखती हूँ तुझे कैसे चोरी करती है, सबको तंग कर दिया है, रातों के भूत बातों से नहीं मानते है। अरे क्या कर रही हो? अभी पढ़ाई भी नहीं करती है, इधर उधर घूमती रहती है सिर्फ। दीदी बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम अपनी शैतानी नहीं छोड़ती। अरे कहाँ गए सबके सब सुबह सुबह में? अरे कोई चाय बाय पिलाओ। लीजिए प्रसाद। कहाँ मंदिर गई थी? नहीं मैं बाबा के आश्रम से आई हूँ। नहीं खाना मुझे ये प्रसाद। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे ये लोग जादू टोना कर देते हैं। बैठो आओ मैं समझाता हूँ। समझाइए। वापिस तुमने ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाना शुरू कर दिया है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, तुम वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मत जाओ, फिर भी तुम मानती नहीं हो। और हाँ तुम तो ठीक, अपनी दोनों बेटियों को भी उधर लेके जाती हो। कितनी बार मना किया मैंने तुझे, वो लोग घर तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं। और हाँ ये भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, समझी? अरे ऐसा कुछ नहीं है वहाँ, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं सिखाई जाती जिससे हमारा नुकसान हो। वहाँ तो वही सिखाया जाता है कि परमात्मा को हम किस प्रकार याद कर सकते हैं। हमको सब पता है भगवान को कैसे याद करते हैं, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे मत सिखाओ भगवान को कैसे याद करते हैं। और हाँ मैं तुम्हें बोल देता हूँ, तुम ये चार दीवारी में ही रहो, चार दीवार से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, समझी? अगर तुमने वापिस ऐसा किया तो मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। नहीं नहीं ऐसे शुभ शुभ बोलो, हमारे साथ तो भगवान है। अरे कृष्ण की भक्ति तक तो ठीक था, अभी तुमने तो भगवान ही बदल दिए कृष्ण से शिव। देख लेना एक बार ये हमको भुगतना पड़ेगा। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमारे साथ परमपिता परमेश्वर है। ठीक है ठीक है, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है। अरे इनको क्या हो गया? मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। मैंने तुझे बोला था भगवान को बदलने की कोशिश मत करो। क्या हुआ? आप लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी, मैं क्या करूं अभी, कहां जाऊं? देखा उसकी शिक्षा आज मुझे क्या मिली। क्या हुआ? आ गई पुलिस थाने की हवा खाकर आ गई। अब माँ बेटी दोनों को कलेजे में ठंडक पहुंच गई। मेरा नाम खराब कर दिया, मेरा नाम बदनाम कर दिया आप लोगों ने। मैंने मना किया था उस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मत जाओ, उस आश्रम ने क्या जादू कर दिया है, बस रात दिन उसी का ख्याल ही आता है। लेकिन मेरी बात तो सुनो, आसपास के लोगों ने आपको पुलिस थाने जाते हुए देख लिया होगा, कितनी बदनामी हो गई मेरी।
अरे अपना तो सही, इसका तो ख्याल किया होता, कौन करेगा इससे शादी, कौन लड़का इसका हाथ थामेगा, अब मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। सबको पता चल गया कि आप दोनों पुलिस थाने की हवा खाकर आई है, अब क्या होगा। पुलिस की गाड़ी इसलिए हमारे घर आई थी कि आज रक्षाबंधन है और हम पुलिस भाई को राखी बांधने के लिए गए थे, इसमें कौन सा गुनाह कर दिया है, हमने तो आपका नाम रोशन किया है। मेरी प्यारी बच्ची, तुझे पता है ना तुम्हें बड़ी होकर क्या बनना है, एक अच्छी ब्रह्मा कुमारी बनना है और हमारा नाम रोशन करना है। मम्मी वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरा सपना है कि मैं बड़ी होकर दीदी जैसी नौकरी करूं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। बेटा पढ़ लिख कर तुम क्या करोगी, वैसे भी हमारे परिवार में कौन पढ़े लिखे है, और फिर तुम क्यों पढ़ना चाहती हो। मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ, बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ और उनका जीवन संवारना चाहती हूँ। बेटी पढ़ने में बहुत खर्चा है, और फिर भी तुम तो लड़की हो। पापा आप उसकी चिंता न करें। कैसे न करें बेटी, बाप हूँ मैं तेरा। पापा आप उसकी चिंता क्यों करते हो। मैंने भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, लेकिन पिता को पढ़ने दीजिए। वैसे भी उसका पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन है। पापा आपको पता है मेरी पढ़ाई लिखाई में मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा है, और मेरा पढ़ाई का खर्च भी गवर्नमेंट देगी। ठीक है तुमने सोच लिया है पढ़ना है तो पढ़ो, मैं कौन होता हूँ। नौकरी करना एक तो मेरा शौक था, टीचर बन कर के कुछ बच्चों को मैं दे सकूं, बच्चों का भविष्य बना सकूं। इसके पढ़ाने का शौक था और बच्चों का भविष्य बनाने का शौक था, इसलिए संकल्प किया मुझे नौकरी करनी, और इसी हिसाब से पीटीसी किए। माँ माँ क्या है बेटा। सुनो मैं आपको एक बात बताऊं, आप किसी को बताओगी तो नहीं। नहीं बेटा बोलो। माँ दीदी है ना हर रोज काम से आते वक्त फिल्म देखने जाती है। हाँ? वो मुझे रोज बताती है हीरो ने वो किया, हीरोइन ने वो किया, विलन ने वो किया। माँ सुषमा भी फिल्म देखने जाने वाली है, उसने मुझे पूछा कि तुम चलोगी, मैंने बोला माँ से बता के तुम्हें बताऊंगी। तो क्या माँ मैं फिल्म देखने जाऊँ, फिल्म भी तो लगी है कौन सी, हाथी मेरे साथी। माँ मेरा बहुत मन है फिल्म देखने का, क्या मैं जाऊँ, आप कहे तो मैं जाऊँ। देखो बेटा तेरी इच्छा है तो मैं ना नहीं बोलूंगी, लेकिन तुझे पता है ना मुरली में बाबा क्या कहते हैं, सीन की माँ यानी कि सिनेमा। फिर भी तेरी इच्छा है तो मैं मना नहीं करूंगी। माँ आप हर वक्त मुझे ही रोकते हो, दीदी को क्यों कुछ नहीं कहते, हर समय मुझे ही कहते रहते हो। बेटा तुझे पता है ना तू किसकी बेटी है। माँ मैं बाबा की बेटी हूँ, और दीदी भी तो बाबा की बेटी है। नहीं बेटा वो रावण की बेटी है और तुम्हें राम की बेटी है। रक्षाबंधन का त्योहार शिव पिता का है उपहार, रक्षाबंधन का त्योहार शिव पिता का है उपहार, ब्रह्मा मुख से बोले शिव पवित्रता का करो श्रृंगार, रक्षाबंधन का त्योहार शिव पिता का है उपहार, रक्षाबंधन का त्योहार। पवित्रता की पावन राखी से जग को सजाना है। नहीं मुझे नौकरी करनी है, बाबा को जाके बोल दो, मैं सोच के बताऊंगी। अरे बेटी तुम्हारे बालों में तेल डाले हुए कितने दिन हो गए, चल आज मैं तुझे अच्छी तरह से तेल डाल देती हूँ। ठीक है माँ। अच्छा बेटा भविष्य के बारे में तुमने क्या सोचा है। माँ मैं टीचर बनना चाहती हूँ। लेकिन तुझे याद है ना कि बचपन में मैंने तुझे कहा था कि तुझे एक अच्छी ब्रह्मा कुमारी बनना है। नहीं माँ मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना चाहती हूँ, मुझे समर्पित नहीं होना है, मुझे कल के आने वाले बच्चों का भविष्य बनाना है। अरे बेटा इसमें भी तो तेरा भविष्य है ना,
नहीं माँ, मैं समर्पित नहीं होना चाहती हूँ। माँ आप ये क्यों नहीं समझती कि मैं नौकरी करके घर के कामों में सहयोगी बनूंगी। मेरा लक्ष्य था टीचर बनना। जब संदेश जी ने कहा कि टीचर मतलब नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है, सेवा का ताज लेना है, तो थोड़ा समय ऐसा लगा कि मैं सोचूं क्या करूं। जब मैं पढ़ी रही थी तो कोई ये सोचा ही नहीं था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं। लेकिन जब ये संदेश जी ने कहा कि नौकरी की टोकरी उठानी है या सेवा का ताज लेना है, तो उसके बारे में थोड़ी सोच तो चली कि नौकरी की टोकरी क्या होती है, सेवा का ताज क्या होता है, टोकरी और ताज में क्या फ़र्क है। तो मंथन करने से थोड़ा ज़्यादा ख्याल आया कि नौकरी की टोकरी उठाना वो थोड़े बच्चों का तो हम भविष्य बना सकेंगे, लेकिन ये सेवा का ताज अर्थात एक जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी लेने से हम अनेकों का भविष्य बना सकेंगे। तो वो सोच थोड़ी ज़्यादा चलने से मुझे ये फिर आत्मविश्वास हो गया कि अगर मैं सेवा का ताज लूँगी और अपने जीवन को परमात्मा कार्य में समर्पित करूँगी तो वो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और मुझे उसमें ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस मिल सकते हैं। न सिर्फ मुझे लेकिन मैं अनेकों का भी भविष्य बनाने के निमित्त बन सकती हूँ, अनेक आत्माओं को सुख शांति का रास्ता बनाने के निमित्त बन सकती हूँ। और उसी बीच दो चार महीने के बाद जब मैं परमात्मा से मिलन मनाने के लिए माउंट आबू गई, तो उसी समय भी परमात्मा से जब पर्सनली मिल रही थी तो भी परमात्मा अर्थात शिव बाबा ने मुझे यही कहा कि बच्ची नौकरी की टोकरी उठाएंगी या सेवा का ताज लेंगी। तब जो मेरे दो महीने से विचार चल रहे थे कि टोकरी क्या है और ताज क्या है, तो उसी हिसाब से मैंने फट से फैसला ले लिया और डायरेक्ट शिव बाबा को मैंने कह दिया कि बाबा मैं नौकरी की टोकरी नहीं उठाऊंगी, मुझे सेवा का ताज लेना है। और तुरंत ही मैंने अपने जीवन को परमात्मा कार्य में समर्पित कर दिया। मैं समीर शर्मा हूँ, मैं यहाँ पे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस देख रहा हूँ। मेरे मदर विजिट करने आए थे, मेरे से मिलने आए थे, तो मैं उनके साथ ब्रह्मा कुमारी के इंस्टीट्यूट गया। वहाँ पे मदर ने मुझे लेके गए मुझे, और वहाँ पे बैठे और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट था काफ़ी पीसफुल था। वहाँ पे मदर की काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, इसलिए वो वहाँ बैठ के उनको अच्छा लगा। मेरा नाम परेश कुमार ठक्कर है, मैं बाई प्रोफेशन लेक्चरर हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दीव में, ब्रह्मा कुमारी में दीव सेंटर में। गीता दीदी के साथ मेरा परिचय 2001 में हुआ अलौकिक रक्षाबंधन से। उसके बाद 2007 में कैड वैल्यू एजुकेशन के लिए जो टीचर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें हिस्सा लिया हमने शांतिवन में, और पूरे इंडिया से 5000 शिक्षक आए थे। उसके बाद में संजोगवशात 2013 में मेरे को कैड की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट प्रॉब्लम, और उसके लिए कैड कोर्स किया। 2013 से अब तक मैं दीव सेंटर से काफ़ी नज़दीक से जुड़ा रहा हूँ, और गीता दीदी जो है एक अच्छे मोटिवेटर है। और मेरे लिए जो थर्ड कैड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थ्रू गीता दीदी हुआ, उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया था कि बाबा आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे, अगर आप कैड कोर्स करेंगे तो आपके रिसेंट ब्लॉकेजेस भी दूर हो जाएंगी। और ये जो सब कोर्स करने के बाद भी मैं किसी भी गुरुवार को चूकता नहीं हूँ कि केंद्र जो है उसमें कैसे भी आना है सायंकाल। और उसके बाद मेरी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए, और कुछ एक मेंटालिटी या तो जो नेचर था उसमें इतना ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ कि जिसके लिए मैं पूरा श्रेय गीता दीदी को देता हूँ। और ब्रह्मा कुमारी इसके थ्रू आपका लाइफस्टाइल का चेंज जो है वो बहुत नोंदनीय रहता है। आज लेक्चर में क्या हुआ? बस कुछ खास नहीं, जो रोज होता है वही। कुछ बताया भी नहीं।
हाँ पढ़ा है ना, 2-3 लेक्चर हुए। आप मोरारजी दावरा की बेटी हो? जी हाँ। आपसे 2 मिनट बात करनी थी, आएंगे? जी कहिए। जी आपका नाम? मैं राहुल। आप क्या करते हैं? मैं प्रोफेसर हूँ। और आप? मैं एक टीचर हूँ। तो आगे के बारे में क्या सोचा है आपने? अब टीचर हूँ तो अब आगे जाके अब आने वाले कल के बच्चों का भविष्य बनाना चाहती हूँ। अरे ये तो अच्छा हुआ, मैं भी तो टीचर हूँ और मुझे भी एक टीचर ही चाहिए थी। आप कहना क्या चाहते हैं? आपके कहने का मतलब क्या है? अरे मतलब साफ है, हमारे माँ बाप ने हमारी शादी तय कर दी है और शादी के बाद भी आप टीचर रहोगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। क्यों? मेरी शादी तो हो चुकी। किससे? भगवान से। मैं उनकी मीरा हूँ, वो मुझे हर रोज गीता सुनाते हैं। अगर तुम्हारी शादी पहले से ही हो चुकी है तो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? वो तुम अपने माता पिता से पूछो। मेरी एक बार शादी हो चुकी है तो मैं दोबारा से शादी क्यों करूँ? अच्छा, जब मैंने ये सोचा कि भगवान ने मुझे कहा है सेवा का ताज लेना है और मैंने भी उस पर सोच लिया था कि सेवा का ताज लेना है, नौकरी करने का इसलिए विचार था कि मैं घर में कुछ मदद भी कर सकूं, लेकिन जब भगवान के महावाक्य मिले, भगवान का बल मिला तो मैंने सोचा कि वो भी तो भगवान ही संभाल लेगा, तो संकल्प किया कि बस अब से मुझे अपना जीवन परमात्मा कार्य में समर्पित करना है। तो माता पिता को और घर में सभी को ये मैसेज दिया, संदेश भेजा कि अब मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है और सेंटर पर ही रहना है। तो माता तो ज्ञान में चल रहे थे, उनको पता था कि बेटी के संस्कार ही ऐसे हैं, वो ब्रह्मा कुमारी बनेंगी ही, लेकिन पिता की ओर से थोड़ा सा भरोसा नहीं था कि वो छुट्टी देंगे या नहीं, तो उन्हें थोड़ा सा झटका लगा कि बेटी को तो मैंने भेजा था छुट्टियां एंजॉय करने के लिए और वो वहाँ पे जाकर रह गई या क्या करेंगी। तो उसने फिर माताजी को बोला कि क्यों वो वहाँ रहेंगी, नहीं चलेगा, मतलब थोड़ा सा उनको रहा कि बेटी वापस आ जाए, उनकी मैं शादी करूँ, अच्छा सा घर ढूँढूँ उसके लिए। लेकिन मैंने जब कहा कि मैं तो नहीं आने वाली, मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो 2-4 दिन उन्होंने थोड़ा सा जिद भी किया, माताजी को कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक वो घर पे नहीं आएंगी। फिर माताजी ने मनाया लेकिन वो माने ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि इंसान कब तक भूखा रह सकता है और जिद भी कब तक कर सकता है। और मैंने जब कहा कि मुझे रहना ही है, और वो लोग जो सोचते थे कि कुछ नौकरी करेंगी, पैसा कमाएंगी, घर में भी कुछ मदद रहेंगी, तो ऑटोमेटिकली हुआ ऐसा कि भाई जो पढ़ रहा था उसने पढ़ना छोड़ दिया और दुकान पे बैठने लगा, और दुकान में भी कुछ अच्छी रीति से धंधा चलने लगा। तो थोड़े से विचार पिताजी के अलग हो गए, उन्होंने सोचा कि मैंने जब से बेटी को देख रहा हूँ, जब से वो गई हैं, तो उनके लिए जो विचार था कि कुछ घर में मदद करेंगी, लेकिन भगवान तो और ही ज़्यादा मदद कर रहा है, तो घर में तो कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं, धंधा भी अच्छी रीति चल रहा है, तो वैसे भी बेटी की कमाई तो हम कहाँ तक खाएंगे, मतलब ऐसे कुछ भी विचार उनको आए और उन्होंने फिर लक्ष्य बना लिया माता जी के समझाने पर, और कुछ ऐसे जो कार्य बने और मुनाफा होने लगा। तो सोचा कि नहीं, बेटी अगर जा भी रही है तो भी उनसे मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा, और लोग कितना भी बोलेंगे उसका तो हम सामना कर लेंगे, बेटी की जो भी इच्छा है वो इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे और वो भले समर्पित रूप में अपना जीवन बिताए। और बाद में तो उन्होंने फिर साइन भी कर दी कि भले तू अपने जीवन को परमात्मा कार्य में समर्पित कर दे। अजी सुनते हो जी? क्या है? आपने 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसा कोई करता है भला? हमारी बेटी भगवान को समर्पित हो गई है, चलो बच्चों जैसी जिद न करो, थोड़ा खाना खा लो। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक गीता इस घर में पैर नहीं रखेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे हमारी गीता सही मार्ग में जा रही है तो उसे जाने दो, आप अपने पुण्य का खाता क्यों कम कर रहे हो? अरे मैं अपने पुण्य का खाता कम कर रहा हूँ या तुम अपने पाप का खाता बढ़ा रही हो?
हर एक बाप की इच्छा होती है अपनी बेटी की शादी करना और उसे विदा करना। समाज क्या कहेगा मुझे? समाज तो यही कहेगा ना, दहेज देना ना पड़े इसलिए तुमने उसे समर्पित कर दिया। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि शादी होगी तो वो निभेगी ही, वो तो अपने इच्छा से परमात्मा की सेवा करने के लिए जा रही है, तो उसे जाने दो। हमारी बेटी तो मीरा है, मीरा कृष्ण की थी और उनकी हो गई। नहीं, मैं इन संबंध को नहीं मानता हूँ। समाज को तुझे नहीं मुझे जवाब देना है, समझी? क्या तो समाज की इच्छा हमारी बेटी की इच्छा से बढ़कर होती है? वो परमात्मा की सेवा करने समर्पित है तो उसे जाने दो। चलो जीत छोड़ो और थोड़ा खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा। पापा पापा, आज मेरा प्रमोशन हो गया है। इतने सारे पैसे? हाँ। आओ आओ बेटा, बैठो इधर। भाग्यवान, ये लो रख दो। इसको लेके मैं क्या करूंगी? तुम जो घर की लक्ष्मी हो। ठीक है, ये लो पापा, आज इतना ही की बचा है। रख दो बेटा इधर। ये लो पापा, आज भी धंधे में बहुत मुनाफा हुआ है। अच्छा, लगता है जैसे धन की वर्षा हो गई, पता नहीं अचानक क्या हो गया। मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ धंधा ठीक ठाक चल रहा है। ये लो भाग्यवान, रख दो ये भी। आपको पता है ना इसका कारण क्या है? आपने अपनी बेटी को भगवान से शादी करके उनका घर बसाया और उन्हीं का ही पुण्य का फल है जो आज हमें मिल रहा है। देखना, एक दिन धीरे धीरे सुख समृद्धि शांति हमारे घर में छमछम करते आएगी। हमने गीता को भगवान को सौंप कर बहुत पुण्य का काम किया है। बस यही है बाबा का कमाल। परमात्मा के साथ ऐसा संबंध गीता दीदी ने छोड़ा कि उनके मन को मीठा बना लिया, क्योंकि इस तरह का इस तरह पर ही धरा रह जाएगा यही उनके मुंह से निकलता रहा। कर दे शामिल मुझे भी अपने बंदों में, कर दे शामिल मुझे भी अपने बंदों में, ऐ मेरे मालिक जो सोते हैं तुझे याद करके और उठते हैं तेरा नाम लेके। तो आइए देखते हैं उनकी आगे की कहानी कैसे गुजरी। शुरू में तो मेरा लक्ष्य था कि मैं टीचर बनूंगी। ब्रह्मा कुमारी बनना मतलब सेंटर पर समर्पित होना, ये मेरा कोई जीवन में लक्ष्य नहीं था। लेकिन एक तो जो संदेशी के द्वारा संदेश आया, नौकरी की टोकरी सेवा का ताज, डायरेक्ट बाबा का ये संदेश मिला कि सेवा का ताज लेना है, और उसी के साथ पहले से ही हमारे में जिन्होंने संस्कार डाले वो हमारी माता जी, शुरू से ही ऐसे संस्कार डाले। जो लक्ष्य तो यही बना लिया था कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़े रहना है और शिव बाबा की जो श्रीमत मिलती है उस प्रमाण ही जीवन को आगे बढ़ाना है। लेकिन जैसे ही जीवन में आगे बढ़े तो विशेष माता जी और बड़ी बहन का उसमें विशेष श्रेय रहा, जिन्होंने हमें आगे भी बढ़ाया और ब्रह्मा कुमारी जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत हमको मदद की। कहते हैं वक्त मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। एक समय ऐसा था गीता बहन की ज़िंदगी में कि वो समर्पित होना नहीं चाहती थी, पर एक समय ऐसा आया कि उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे अपने जीवन को परम पिता शिव परमात्मा को समर्पित करना है। आइए दीदी, क्या बात है, आज बहन जी ने आपको जूनागढ़ से भेज दिया। अरे आज तो हमारा भाग्य ही खुल गया, आज हमारा घर। सुनिए, कल से दीदी आ गई है लेकिन जाने का नाम ही नहीं लेती। हम तो धर्म संकट में आ गए, बाबा ने हमको फंसा दिया। एक काम करो ना, आप उनसे पूछिए कि वो कब जाने वाली है। मैं क्या बोलूं बहन से, खुद ही आप पूछ लो ना। ऐसा है तो चलो मैं कल पूछ लूंगी। ये तो आपकी महानता है कि आपने बाबा की सेवा के लिए यहाँ गीता पाठशाला शुरू की है, बाबा की सेवा का बीज डाला है आपने। वो तो आपकी महानता है दीदी। और दीदी एक बात मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी। आपका आगे का प्लान क्या है? दमयंती दीदी ने कहा है कि बाबा की सेवा के लिए बाबा का घर यहाँ ढूंढना है ताकि बाबा की सेवा का विस्तार हो सके। लेकिन दीदी इधर मकान मिलना तो बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं है, हम बाबा को अर्जी लिख के दे देंगे, 8 दिन की राह देखेंगे। यदि 8 दिन में मकान मिल जाता है तो बहुत अच्छा, वैसे आप निश्चिंत रहिए,
अगर मकान नहीं मिला तो 8 दिन के बाद में हम जूनागढ़ वापस लौट जाएंगे। अच्छा दीदी, ये जगह है, जमीन भी अच्छी है, जमीन का दाम भी ज़्यादा नहीं है। आप चाहे तो इस जमीन में बाबा का एक सेवा केंद्र भी बना सकते हो। क्या दाम है जगह का? ऐसे तो ज़्यादा तो नहीं, 21 लाख में दिला सकता हूँ ये जमीन। ठीक है जीतू भाई, मेरी और बाबा की तरफ से तो हाँ है, और ये जमीन आप बता रहे हैं तो इस निमित्त आपका बहुत बड़ा भाग्य भी जमा हो जाएगा और बाबा की बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग्स भी आपको मिल जाएगी। तो फिर मैं आपका जवाब का इंतजार करूँगा। जी जीतू भाई। नीचे बाबा, आपको अर्जी भी इन 5 दिनों में सेंटर घूमना भी चाहिए, अगर खुला तो ठीक, वरना मैं वापस चली जाऊंगी। बाबा 7 मकान बदल दिए तब तक। बाबा अभी आपको बाबा का घर बनवाना ही है, कब तक ऐसे मकान बदलते हैं? मैं कल ही स्टेट एजेंट के पास जाऊंगी, आगे आपको अपना कार्य करवाना ही है। कहते हैं ना कि जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और जिंदगी को आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। ऐसा ही कुछ ज्ञान उन्होंने अपने जीवन में धारण किया कि स्वयं भगवान ने कहा कि तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ने नहीं दूंगा। बाबा से रिश्ता कुछ यूं छोड़ दो कि अपना सारा समय बाबा की याद और सेवा में लगा दो। इतना असर छोड़ दो दुनिया पर कि हर कोई कहे मुझे अपने बाबा से मिला दो। कहते हैं ना कि परमात्मा का रंग जिस पर चढ़ जाता है उस पर अन्य कोई रंग नहीं चढ़ता। शांति, जेतु भाई ने जगह बताई आज बाबा का घर बनाने के लिए। जगह तो बहुत अच्छी है, परंतु जगह की कीमत 21 लाख रुपये है और हमारे पास तो अभी केवल 1.5 लाख रुपये ही है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा ने संदेश में कहा है कि बच्चे तुम चिंता ना करें, पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा और आप सेवा में लग जाए। क्या आप बताएंगे कि इसमें खर्चा कितना होगा? दीदी, भगवान के कार्य में मैं ज़्यादा कमाता नहीं हूँ। महंगाई के ज़माने में मेरे हिसाब से इस भवन को बनाने में 30 से 32 लाख का खर्चा होगा। पर हमारे पास तो अभी इतना पैसा नहीं है एक साथ में। तो क्या करेंगे? एक बात बताऊँ आपको? हाँ कहिए। जब भी हम आपको पैसों की ज़रूरत हो आप हमें बताना, तो 7 दिन पहले आप बताएंगे तो उस हिसाब से हम अरेंज कर देंगे, और यदि पैसा ना हो तो आपको काम रुकवाना पड़ेगा उस समय। ठीक है दीदी, जैसा आप ठीक समझिए। फिर भी एक अंदाजन ये पूरा भवन बनने में कितना समय लग सकता है? 1.5 या 2 साल। ठीक है। दमयंती दीदी ने मुझे जूनागढ़ से दीव के लिए भेजा और बोला कि वहाँ हफ्ता भर रह करके या कुछ दिनों में ही मकान ढूंढना है और सेंटर की शुरुआत करनी है। तो मैंने दीव का तो नाम भी नहीं सुना था, पता भी नहीं था दीव कहाँ है, लेकिन फिर भी मैं आ गई यहाँ पे। जिसके घर पे रहते थे वहाँ हफ्ते में एक बार पहले भी बहनें आती थी, रात को आती थी, सवेरे वापस क्लास करा के चली जाती थी। लेकिन अब जब मैं आई रमा बहन के घर, नरेंद्र भाई के घर, तो जब मैं रुकी तो उन्हें भी संकल्प चला, क्योंकि दमयंती दीदी ने उन्हें बताया नहीं होगा कि ये हफ्ता भर रहेंगी और मकान ढूंढना है सेंटर के लिए, सेंटर की शुरुआत करनी है। तो मैं 2 दिन रुकी, 3 दिन रुकी, तो उनके भी विचार चलने लगे कि बहन कब जाएंगी। फिर मैंने सोचा मैं ही बता दूँ कि मकान ढूँढना है ताकि उनके भी मदद मिल जाए। मैंने बताया कि यहाँ पे हफ्ता रहना है और अच्छा मकान ढूंढ करके यहाँ सेंटर की शुरुआत करनी है। तो जैसे मैं बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तो अच्छे इतने महान कार्य करते, बाबा के कार्य में आपने जीवन समर्पित किया है, यहाँ अगर सेंटर खुल जाएगा तो बहुत अच्छी सेवाएं चलेंगी। तो उन्होंने भी मदद किया मकान ढूँढने में। 2-3 दिन हमने ढूँढा, मकान मिल ही नहीं पा रहा। 18 जनवरी का दिन आया, मैंने सोचा ये दिन बहुत अच्छा है बाबा के पास अर्जी डालने का। तो 18 जनवरी सुबह से रात तक मैंने एक कमरे में बैठकर तपस्या की और बाबा को कहा, बाबा ये कार्य आपका है, आपको ही कराना है, एक अच्छा सा मकान दे दो, बस उसमें हम रहेंगे और सेवा करेंगे। और
संस्कृति बदल जाती है। वैसे बहुत सारे और भी अनुभव हैं जिसमें बाबा का साथ हमें महसूस हुआ। बाबा ने इतना साथ दिया, इतना साथ का अनुभव कराया कि जो कोई भी हमारी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि शिव बाबा भगवान जिसके लिए कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला, तो हमारी सदा ही किसी भी बात में बिगड़ने नहीं दिया, बिगड़ी को बनाते रहे। ये बात मुझे विशेष बाबा के साथ का अनुभव हुआ। और मैं अपना पुरुषार्थ जो करती हूँ, शुरू से ही मैंने एक लक्ष्य रखा था कि पूरे दिन का चार्ट, पूरे दिन का पोता मेल मुझे एक बाबा को ही सुनाना है। तो मैं रोज़ रात को बाबा को लेटर लिखती हूँ, बाबा को अपना चार्ट बताती हूँ, और उसी आधार से मुझे लगता है कि मैं बहुत अपनी उन्नति कर सकती हूँ। लास्ट 6 साल से जो मेरा पुरुषार्थ चल रहा है वो ये है कि कुछ भी हो जाए मुझे व्यर्थ संकल्प नहीं करने हैं, नेगेटिव विचार तो मन में आना ही नहीं चाहिए। और कुछ दिनों के अभ्यास से ही, प्रैक्टिस से ही उसमें मैं सफल हो पाई हूँ, और बहुत सहज रीति से उस पुरुषार्थ में मैं आगे बढ़ी। और आज मैं ये महसूस कर रही हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे मन में कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प चलते ही नहीं। और इसी कारण से जब से मैंने अपना जीवन समर्पित किया, जब से मैं इस जीवन में आगे बढ़ी, मैं अपने जीवन से कभी भी असंतुष्ट नहीं रही हूँ। मेरा जीवन संपूर्ण जैसे मैंने शिव बाबा के हवाले कर दिया है, भगवान के हवाले कर दिया है, और वो मेरी जीवन नैया को बहुत सहज रीति से, अच्छी रीति से चला रहे हैं। और इसी में मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ, और इसी से ही आगे बढ़ रही हूँ। पूरी दुनिया के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक अपने जीवन में, चाहे घर में रहते हैं, चाहे अपने जीवन को समर्पित करते हैं, चाहे दुनिया में रह रहे हैं, हर एक अपने जीवन में सुख, शांति और खुशी तो चाहते ही हैं। अगर वो थोड़ा भी वर्तमान समय के प्रमाण आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे तो आध्यात्मिकता सुख, शांति और खुशी में रहने के लिए आपको बहुत मदद करेंगे। सुंदर वस्त्र आपके व्यक्तित्व को बदल सकता है, पर सुंदर व्यक्तित्व आपके जीवन को बदल सकता है। ऐसे ही व्यवहार की धनी गीता दीदी की कहानी, जो हर दिन ईश्वर से कहे तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। इसीलिए उनके जीवन में खुद के लिए कोई इच्छाएं नहीं बची, उन्होंने सारी इच्छाएं दुनिया की सेवा में समर्पित कर दी। इसीलिए गीता दीदी जैसे शख्सियत के लिए किसी ने खूब कहा है, चिंता करोगे तो भटक जाओगे, पर चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। ऐसे ही भटके हुए को रास्ता दिखाने का काम किया गीता दीदी ने। उन्होंने जिंदगी रूपी धागे को उलझने नहीं दिया, उन पर गांठ नहीं पड़ने दी, बल्कि सुलझा दिया। बात छोटी सी है पर विचारणीय है। जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। ये रहा आज तक का सफर गीता दीदी के साथ। अब हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिन्होंने अपना जीवन बदला प्रभु प्रेम। दोस्तों, आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, और इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। नमस्कार। इस जमी पे है तेरे करिश्मे अजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब। आ
तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, जर्रे जर्रे में है तेरी खुशबू यहां। तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, जर्रे जर्रे में है तेरी खुशबू यहां। तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन, दरियाए मन। तुझको कहते खुदा, तुझको कहते है रब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। इस जमीन पे है तेरे करिश्मे अजब, इस जमीन पे है तेरे करिश्मे अजब। तू गजब है गजब, तू गजब है गजब। तेरे से गाती है नगमे हवा, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवा। तेरे से गाती है नगमे हवा, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवा। तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिकर, हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र, तेरा ही जिक्र। तुझको चाहते हैं सब, तुझको चाहते हैं सब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। इस जमीन पे है तेरे करिश्मे अजब, इस जमीन पे है तेरे करिश्मे अजब। तू गजब है गजब, तू गजब है गजब। कोई भगवान है, तेरी जादूगरी सबसे मशहूर है, हर दिशा में यहाँ बस तेरा नूर है, तेरा नूर है। हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। इस जमीन पे है तेरे करिश्मे अजब, इस जमीन पे है तेरे करिश्मे अजब। तू गजब है गजब, 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 तू गजब है गजब।